अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमाज किचन। आज जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है पालक मलाई कोफ्ते। चलें स्टार्ट करते हैं। पालक मलाई कोफ्ते के लिए सबसे पहले मैं ये कोफ्ते का सामान तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये चॉपर मशीन लूँगी मैं। ये चॉपर लेके इसमें ये मैंने आधा किलो मटन का कीमा है मशीन का, ये डाल दूँगी। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून भुने चने का आटा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ये मेरे पास काला ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। हरा धनिया जाएगा इसमें, ये 1 अंडा जाएगा, ये 2 ब्रेड के पीस हैं जिसको मैं पानी में सोख करके इसमें शामिल करूंगी। ये पानी में डाल के इसको अच्छी तरह मैं इसका पानी निकाल लूंगी, ये इसमें डाल दूंगी और ये दूसरा भी इसी तरह पकड़ूंगी, ये भी इसमें डाल दूंगी। इसको हम अच्छी तरह चॉपर मशीन में पीस लेंगे। ये चॉपर में मैंने सारे मसाले डाल के सारा कुछ डाल के ये इसको पीस लिया अच्छी तरह। अब मैं इसके कोफ्ते तैयार करूंगी। अब मैं इसके इतने साइज के कोफ्ते बना लूंगी। ये मैं इस तरह कोफ्ते इसी तरह मैं ये सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। ये कोफ्ते हमारे सारे बन चुके हैं, अब मैं इनको फ्राई करूंगी। चलें इसको फ्राई कर, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं एक एक करके कोफ्ते डालूंगी। फ्लेम मैंने इसके लो पे इसको ऑयल को गर्म किया है, ये सारे मैं डाल दूंगी इसमें। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूंगी। ये हल्के हाथ से आपने सारे कोफ्तों की साइड चेंज कर लेनी है। तकरीबन इसको 5 मिनट तक हमने इसी तरह फ्राई करना है ताकि ये कीमा थोड़ा कुक भी हो जाए। ये गोल्डन कलर आ गया कोफ्तों का, अब मैं इसको ऑयल में से निकालने लगी हूँ। मैंने 5 से 6 मिनट इसी तरह फ्राई किया है। अब इसी ऑयल में जिसमें मैंने ये कोफ्ते फ्राई किए हैं, अब इसी ऑयल में डाल दूंगी मैं ये अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून। अब इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, 1 से 2 मिनट जरा इसको पका लूंगी ताकि ये अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये कोफ्ते इसी में फ्राई किए थे, इसी में मैं ये सारा मसाला तैयार करूँगी। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक मैंने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैंने पालक को भी ग्राइंड करते वक्त नमक डाला था और कोफ्तों में भी नमक गया है, इसलिए नमक बहुत कम जाएगा इसमें। ये 1/2 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये शामिल कर दूँगी इसमें। हल्का सा पानी डालूँगी, अब इसमें मैं डाल दूँगी ये 1 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था और ये हाथों से मसल लिया है, ये शामिल कर दूंगी इसमें। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट इसी तरह भून लूंगी। इसी तरह आप चम्मच चलाते जाए इसमें। ये 2 किलो मैंने पालक ली थी जिसको मैंने काट कर धोकर और उबाल कर ये मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, ये पालक इसमें जाएगी। अब इसी के पानी में मैंने इसको पका लिया था और उसी के पानी में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, ये अब इसमें सारी मैं मिक्स करूंगी। अब थोड़ी आंच में तेज करूंगी इसकी। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम कर दी है।
ये 2 मिनट मैंने इसको कवर करके पका लिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें डाल दूंगी कोफ्ते, ये सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं मिक्स करूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके पकने दूंगी। ये इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर दिया था कोफ्ते डाल के, पालक डाल के। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसमें डालूंगी मैं ये क्रीम, 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम के जाएंगे इसमें। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें घर के जो दूध की मलाई होती है आप वो डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। नमक आप देख लें, अगर कम है तो नमक आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए बड़े ज़बरदस्त हमारे पालक मलाई कोफ्ते तैयार हैं। अब इसका चूल्हा बंद करके अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये पालक मलाई कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर मैंने इसके क्रीम डाल दी है, अगर आपके पास मलाई है वो डाल लें आप इसको गार्निश करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।